अभिनेता अभिषेक लखानी ने आज अजमेर पहुंचकर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी दी। उन्हें दरगाह के खादिम पीर बाबा सैयद ख्वाजा बख्श चिश्ती ने जियारत कराई और दरगाह का तबरुक भेंट किया। अभिषेक ने ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत का नजराना पेश कर दुआ मांगी। अभिषेक ने दरगाह के जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। जल्द ही नेट फिटनेस OTP प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्म गबरू गैंग कामयाबी की दुआ भी मांगी। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा जी का कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया अपनी ज़ियारत करने के लिए। और आज के दौर में ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो खाली एक ही फरियाद है कि हम सबको, इस पूरी आवाम को, इस कोरोना नाम की बीमारी से निजात मिले, जिससे कि हम सब लोग फिर से उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ सके जो हम लोग जीते थे, क्योंकि आजकल तो उस आम ज़िंदगी के लिए लोग तरस रहे। तो बस यही दुआ है मेरी कि हर आदमी अपने फिर से उसी जीवन में जी सके। आप ये बताएं, आपने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करी और कितने समय हो गया आपको बॉलीवुड को? जी, मुझे कई साल हो गए और आप लोगों की दुआ से पहला सीरियल मेरा था स्वास्थ्य प्रोडक्शंस के लिए, महाभारत, जो कि स्टार प्लस के लिए मैंने किया था। और उसके अलावा भी कई शोज़ किए मैंने, जैसे कलर्स के लिए मात रहे तेरा आशीर्वाद, ZTV के लिए मनमोहिनी, एक फिल्म की है मैंने जो अभी OTT प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो जाएगी जल्दी, जिसका नाम है गबरू गैंग। इसके अलावा कई सावधान इंडिया मैंने किए हैं, क्राइम पेट्रोल किए हैं और भी कई शोज़ किए। ये गबरू गैंग में आपके साथ कितने लोग और जो है जिसमें काम कर रहे हैं, कब रिलीज़ होगी? जी, इंशाल्लाह 3 महीने में फिल्म रिलीज़ हो जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसा मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स पर। और इस पर अभिषेक धुआन मेरे साथ हैं और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, जो बिग बॉस में एक लेडी थी जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, वो भी हमारे साथ इसमें मेन लीड में है। और बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है बहुत अच्छे हैं, समीर खान नाम है उनका। तो मैं आप सबसे इल्तिजा करूँगी वो फिल्म ज़रूर देखेगा। और पहली फिल्म है जो पतंगबाजी के ऊपर है, काइट फ्लाइंग के ऊपर है, इंडिया की पहली फिल्म है। आप ये बताएं, आज अजमेर शरीफ आए तो कैसा आपको महसूस हो रहा है और क्या मन्नत मुराद रही है? जी, बस ये तो ख्वाजा का करम है कि हम यहाँ तक आ गए, क्योंकि इस दौर में हमें तो यही लग रहा था कि ज़ियारत हमारी हो जाए किसी तरह। और बाकी तो जब तक ख्वाजा का बुलावा नहीं होता तब तक तो अजमेर आना मुमकिन ही नहीं है। तो बस सरकार से यही इल्तिजा है कि हमें हमारे काम धंधे में बरकत दें और इस पूरी आवाम को भी इस कोरोना नाम की बीमारी से निजात दें। जी, पहली मन्नत तो मैंने ये मांगी है कि हम सबको, इस पूरी आवाम को, इस कोरोना नाम की बीमारी से निजात मिले और जनजीवन पहले की तरह आम हो जाए। जी, बस ये दुआ थी मेरी। आप ये बताया कि कौन सी आपकी नई फिल्म या सीरियल आने वाला है, इसकी कामयाबी क्या दुआ मांगेंगे? जी जी, मेरी एक फिल्म आने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है गबरू गैंग, जो कि पतंगबाजी काइट फ्लाइंग के ऊपर पहली फिल्म है। और बस यही दुआ लेके हम ख्वाजा जी आए हैं। इसके अलावा आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम करा और कितना समय आपको फिल्म लाइन में? जी, मुझे काफ़ी समय हो गया है इस फिल्म लाइन में काम करते हुए। मैंने कई शोज़ किए हैं, जैसे कि स्टार प्लस के लिए महाभारत, NTV के लिए शादी के सियाप पे, ZTV के लिए मनमोहिनी, कई सावधान इंडिया किए हैं, क्राइम पेट्रोल किए हैं, माँ रहे तेरा आशीर्वाद किया है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी फिल्म अभी रिलीज़ पे ही है। और यही दुआ लेके हम ख्वाजा जी आए हैं, और अजमेर तो वही आते हैं जिन्हें हमारे सरकार ख्वाजा जी बुलाते हैं। आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक लखानी है। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।